केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना जास्तीत जास्त मिळावा यासाठी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय आढावा बैठक घेतली। केंद्र सरकार जनकल्याणासाठी भरपूर निधी देत आहे, प्रशासनाने अधिक जोमाने काम करावं असं आवाहन त्यांनी केलं। सातारा जिल्हा पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, आता तो राहिला नाही। भविष्यात सर्व विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ भाजपकडे असेल असं त्यांनी सांगितलं। सध्या महाराष्ट्रातील राजीनामा नाट्य जनतेने पाहिलंय, एखाद्या नाटकातील स्क्रिप्टप्रमाणे राजीनामा दिला जातो, नंतर माघारी घेतला जातो। भाजप पक्षाने महाराष्ट्रात संघटन मजबूत केलं असून बारामती लोकसभा मतदारसंघासह महाराष्ट्रातील सर्व लोकसभेच्या जागा भाजप जिंकेल असा दावा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी केलाय। कभी रहा होगा एनसीपी का गढ़, अब नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ तक पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से सातारा ज़िले में काम कर रही है। एनसीपी तो अपनी ही झगड़ों में उलझी हुई है, उनको स्क्रिप्ट के अनुसार नाटक के प्रदर्शन करने पड़ते हैं, उस हिसाब से उलझे हैं। हमारे लिए किसी भी राजनीतिक दल का मैं आलोचना नहीं करता, किसी नेता की आलोचना नहीं करता, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा वातावरण सातारा ज़िला में मिला है और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी सातारा ज़िले में बहुत मजबूती से आएगी। आने वाले समय में सारी विधानसभाएं और लोकसभाएं हम चुनाव में जीतेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कभी इस्तीफ़ा देते हैं, कोई कहता है इस्तीफ़ा देना ही चाहिए, होना है, फिर इस्तीफ़ा वापस हो जाता है, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग मनाते हैं, तो ये सब होता है। अब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अब उसमें असल में क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो लगता है कि कुछ पहले से बनाया हुआ, लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो एक नाटक चल रहा हो, एक फिल्म चल रही हो, उस तरह का दृश्य उपस्थित होता है, तो उसीलिए मैंने कहा। एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नाराजी नाट्य सुरू असताना भाजप पक्षाने आता जनसंपर्क अभियान राबवण्यास सुरुवात केली आहे। दिनमानसाठी कॅमेरामन संजय सुपेकर सह शशिकांत कुरे, सातारा।